स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनील हालाखंडी के व्यूज़ में, यानी मेरे व्यूज़ में। कल एक कांग्रेस की टूल किट संबित पात्रा ने जारी की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह भारत सरकार को और भारत को एक तरह से विदेशों में और देश के अंदर ही बदनाम करने की कोशिश की गई है जा रही थी। और इस पर मैंने एक सुबह एक ट्वीट दिया था मेरे पॉलिटिक हेड के साथ डिस्कशन में, काफ़ी लंबा यूट्यूब का वीडियो था, आपने शायद देखा होगा। लेकिन अभी इसके बारे में मैं एक और अपना ट्वीट कर वीडियो दूंगा इसके कुछ समय बाद। अभी फिलहाल बात करूंगा केजरीवाल के एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट आया है और इस वेरिएंट का बच्चों पे विशेषकर बहुत असर पड़ेगा, इसके लिए भारतीय सरकार को कुछ एक्शन लेने चाहिए। जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि तो सिंगापुर से सारी फ्लाइट्स तुरंत बंद कर देनी चाहिए और बच्चों के लिए विशेष रूप से टीकाकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर सिंगापुर में न केवल सरकार भी बल्कि वहाँ के कई नागरिकों ने बहुत ही आक्रामक टिप्पणी दी है, वो गुस्से में टिप्पणी दी है कि कैसे एक दिल्ली भारत के किसी एक राज्य का चीफ मिनिस्टर, वो भी कैपिटल नेशनल कैपिटल टेरिटरी राज्य का चीफ मिनिस्टर, ये कह सकता है कि सिंगापुर से एक इस ट्रेन आया उससे बचना चाहिए। वो काफ़ी उन्होंने उसको इरेस्पॉन्सिबल बताया और गाली देते हुए केजरीवाल को कहा है कि पहले अपना दिल्ली तो संभाल लो, आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, आप इधर से उधर भाग रहे थे, दूसरे से भीख मांग रहे थे, अपने स्टेट को तो संभाल ही नहीं पा रहे हो, आप चिंता सिंगापुर की चिंता मत कीजिए, हम सिंगापुर के लिए बैठे हैं। और दूसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी ने भी ये नहीं कहा है कि सिंगापुर का कोई वेरिएंट है। हालांकि कुछ दिनों पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसकी अथॉरिटी, उसने ये भी कहा था कि देर इज़ नो वेरिएंट लाइक इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना, वो एक ही बात करते हैं कि चाइना का वेरिएंट है। और केजरीवाल या भारत में किसी भी विपक्षी दल के राजनीतिक की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो चाइनीज वेरिएंट के बारे में बात करे या ये कहे कि ये चाइनीज वेरिएंट है। इस पर सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया और उसको वहाँ पर उसको लताड़ पड़ी और उसको बोला कि किस तरह से एक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर यहाँ इस तरह की बात कर सकता है। तो ये कुल मिला के अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की इन लाइन में ही किसी तरह से नरेंद्र मोदी की दुनिया में जो एक साख बनी है या भारत की जो एक साख बनी है उसको नीचे गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत में आज ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं या ऐसी एक सरकार है जो इस तरह को होने निर्णय लेती है और इस तरह की किसी भी हरकत का तुरंत वो डैमेज कंट्रोल करती है। इसमें देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको कि जो अरिंदम बागची है जो कि भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, उन्होंने लिखा है कि सिंगापुर गवर्नमेंट कॉल्ड इन नाउ हाई कमिश्नर टुडे टू कन्वे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिल्ली सीएम ट्वीट ऑन सिंगापुर वेरिएंट। हाई कमिश्नर क्लेरिफाइड दैट दिल्ली सीएम हैज नो कॉम्पिटेंस टू प्रोनाउंस ऑन कोविड वेरिएंट और सिविल एविएशन पॉलिसी। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, जो अरिंदम बागची है सचिव विदेश मंत्रालय में, उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम न तो विदेशी न तो एक्सपर्ट है मेडिकल के और न ही वो एविएशन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड भारत सरकार करती है। और जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं उन्होंने लिखा है कि सिंगापुर एंड इंडिया हैव सॉलिड पार्टनर्स इन द फाइट अगेंस्ट कोविड 19, अप्रिशिएट सिंगापुर्स रोल एज इट्स लॉजिस्टिक हब एंड ऑक्सीजन सप्लायर, देयर जेस्टर ऑफ डिप्लॉइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू हेल्प अस स्पीक्स ऑफ एक्सेप्शनल रिलेशनशिप। जयशंकर ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि हाउएवर रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स फ्रॉम दोज हु शुड नो बेटर कैन डैमेज लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप्स, सो लेट मी क्लैरिफाई दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये एक चलता फिरता आदमी का दर्जा दिया उसको, हालांकि उन्होंने कहा कि सीएम है एक विशिष्ट व्यक्ति है लेकिन वो भारत के लिए नहीं बोलता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सिंह ऐसा क्या प्रयोजन अरविंद केजरीवाल है जो वो इस तरह से दूसरे देश के बारे में, और वो भी एक मित्र देश के बारे में जिसने हमको और पर्टिकुलरली दिल्ली को मदद की ऑक्सीजन लाने में और कोरोना से फाइट करने में, उसके बारे में क्या ज़रूरत पड़ेगी उनको ऐसा कमेंट देने के लिए। और अगर उनको ऐसा कमेंट देना भी था, यदि प्रधानमंत्री या भारत सरकार को कुछ कन्वे भी करना था तो वो उनको पर्सनली चिट्ठी मेल आदि के द्वारा दे सकते, तो उसको जग जाहिर क्यों किया। सीधा सा मतलब है कि वो बदनामी प्रधानमंत्री की करवाना चाहते थे, भारत की करवाना चाहते थे और किसी तरह से एक अच्छे देश से हमारे संबंध बिगड़वाना चाहते, लेकिन ऐसा
प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं होने देगी, और इस तरह की हरकतें ये पूरा विपक्ष करता रहेगा, नेगेटिविटी इनकी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर एक दूसरे पहलू से देखा जाए तो इससे अगर उन्होंने कहा कि सिंगापुर वेरिएंट है तो यहाँ तक कहते तो वो बिल्कुल को ठीक था, लेकिन उन्होंने बाकी जो सिंगापुर के बातें कही उन्होंने मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए। वैसे इंडिया में बहुत सिंगापुर के नाम पे सिंगापुर बाजार है, चाइना बाजार है, सिंगापुर सिटी है, ये सब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी देश की बुराई कर रहे हो या अच्छाई कर रहे हो। उसका नाम लिया उन्होंने और तो उसे हालांकि नहीं लेना चाहिए, विशेषकर इस समय जब सारी दुनिया, विशेषकर भारत और सारी दुनिया एक पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए था और इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। आज आप देखेंगे तो सारे यूट्यूबर्स इसी बारे में बात कर रहे हैं, और हो सकता है 5 बजे की जो विशेष हिंदी के विनोद चैनलों पर और रात को 9 बजे प्राइम टाइम में बहस होती है उसमें आज उनको एक मुद्दा मिल गया। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो होता है कि कोई आदमी कोई विवाद देता है, बेवकूफ़ी भरा राजनीतिक विवाद देता है, उसको जो चैनल्स हैं वो विवादित बयान देकर फैलाते हैं और उस पर बहस करते हैं। आज पहली बार हुआ है जब एक नेता ने, वो भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने, विवादित बयान, वास्तव में विवादित बयान दिया है। ये मूर्खतापूर्ण विवाद नहीं है, ये एक विवाद पैदा करने वाला बयान दिया है और इस पर उनकी काफ़ी अच्छी खिंचाई होगी। लेकिन आप टीवी पे अगर बहस देखेंगे तो वही होगी जैसे स्कूल में बच्चे में होते हैं, एक विवाद युवक प्रतियोगिता होगी, एक तरफ के बच्चे पक्ष में बोलते हैं, दूसरी तरफ के बच्चे उसके विपक्ष में बोलते हैं, मुद्दा कोई भी हो। तो शहजाद पूनावाला इसके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे और तस्नीम पूनावाला कहेंगे कि केजरीवाल ने बिल्कुल सही किया, मोदी जी को डूब मरना चाहिए। तो ये इस तरह है आज की टीवी पे बहस का। यदि आपको सही मायने में बहस देखनी है तो आप फिर उसमें वही, वो डिपेंड करता है कि आप किस पक्ष के हैं, आप बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी समर्थक है तो अद्वैता काला का चैनल देखिए, और अगर बीजेपी के खिलाफ है तो आशुतोष का चैनल देखिए, यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। धन्यवाद।